do is be with you. Always be the light things on you. हे दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आप सबको स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल ग्रैटिट्यूड इन हिंदी में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि खुद से प्रेम करना कितनी बड़ी सौगात है और कितनी बड़ी आशीर्वाद है और कितना ज़रूरी है हमारे लिए, और आज हम लोग जानेंगे कि आत्म छवि यानी सेल्फ इमेज को कैसे बढ़ाएँ और सेल्फ इमेज बढ़ाने की वजह से हम जीवन में क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें और वीडियो को शुरू करने से पहले तीन चीज़ें ऐसे ज़रूर लिखें जिसके लिए आज आप ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। स्टार्ट मैं खुद से करता हूँ कि आज मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस वीडियो को बना पा रहा हूँ, मेरा ये एबिलिटी के लिए। आई एम थैंकफुल फॉर माय दिस एबिलिटी। आज मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज इतना सुंदर और इतना सुनहरा मौसम हमें मिली है, नसीब हुई है, और इस सुंदर मौसम का हम उपभोग कर पा रहे हैं। आज मैं शुक्रगुजार हूँ माँ प्रकृति का, जिसने हमें बिन मांगे बेशुमार नियामतों से नवाजा है और जिसका हम कभी शुक्र अदा भी नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए मैं दिल से करोड़ करोड़ शुक्र अदा करता हूँ। आप ऐसे तीन चीज़ों के नाम जरूर लिखें, या डायरी मेंटेन करें, या कमेंट बॉक्स में लिखें जिसके लिए आप आज ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। दोस्तों, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देर नहीं करते हैं। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाएं, डॉक्टर जोसेफ मर्सी की लिखी गई बुक की अध्याय 3 से आज हम लोग जानेंगे कि अपने सेल्फ इमेज को बढ़ाने से क्या फ़ायदा होने वाला है और हम लोग किस तरह से इसको बढ़ाएं, तो किस तरह से हम लोग अपने जीवन में एक नई रंग भर सकते हैं, नई परिवर्तन ला सकते हैं। इच्छा शक्ति के दम पर किसी बुरी आदत से उभरने की कोशिश नहीं करें। इस तरह तो आप बस अपने मन में बुरी आदत पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं। आप बुरी आदत के बारे में जितना ज़्यादा अधिक सोचते हैं, आप उतना ही अधिक उस बुरी आदत में अटके रहते हैं, लिपटे हुए रहते हैं, क्योंकि आप जिस पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं आपका अवचेतन मन उसे बड़ा कर देता है, उसे फैला देता है, उसे दुगना कर देता है। जब आप इस पर लगातार ध्यान केंद्रित रखोगे तो आप वो चीज़ करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप, मैं हूँ, आई एम, इन दोनों शब्दों के बीच जो रखते हैं आप वही बन जाते हैं। जब आप शीशे में खुद को देखते हैं और ये बातें कहते हैं अच्छी तरह जानते हुए कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो आपका चेतन मन एक कलम बन जाता है और आप अपने अभिचेतन मन में एक नई आत्म छवि लिख देते हैं। यहाँ पे डॉक्टर जोसेफ मर्सी ये कह रहे हैं कि आप दर्पण में खड़े होके, दर्पण के सामने खड़े होके, शीशे के सामने खड़े होके, अगर आई एम, मैं हूँ, इन दोनों शब्दों के बीच कुछ भी जो शब्दों को आप रखते हैं, आपका अवचेतन मन जो है उस दौरान एक कलम बन जाता है और आप जिन शब्दों को दोहराते हैं आपका वही धीरे धीरे सेल्फ इमेज बनना शुरू हो जाता है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को क्या सोचते हैं। जब ये वहाँ अंकित हो जाती है यानी अवचेतन मन में, तो ये बाध्यकारी बन जाती है, ये ओबीडियंट बन जाती है, क्योंकि आपके अवचेतन का नियम ही है बाध्यकारी। आपकी मान्यताएँ, आपके विश्वास और अवधारणाएँ आपके सारे चेतन कार्यों को आदर्शित और नियंत्रित करती है करते हैं। इसीलिए कल्पना करें कि आप बदल, कल्पना करें कि आप वो कर रहे हैं जो करने की आप हसरत रखते हैं। इसे करते रहें, इसे बार बार करें। इसी समय आदेश दें, इस पल के बाद मैं अपनी मानसिक खुराक के लिए अपने मन में सिर्फ वही विचार आने दूंगा जो मेरे आत्मा का उपचार करते हैं, आशीष देते हैं, प्रेरित करते हैं, शक्ति देते हैं, ऊपर उठाते हैं और गरिमा देते हैं। मानसिक भाषा, अंदरूनी बातचीत, आंतरिक चर्चा के महत्व को कभी नहीं भूलें। ये आपके मन, और जब आप अकेले होते हैं, जब आपका सिर तकिए पर होता है, जब आप आराम कुर्सी पर बैठ और आसपास कोई नहीं होता, आपका मौन विचार हमेशा प्रकट होता है। चेतन मन मोटर है तो अवचेतन मन इंजन है। आपको मोटर चालू करनी होगी और इंजन काम करने लगेगा। चेतन मन डायनामो है जो अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करता है। ये जान लें कि आप क्या चाहते हैं, अवचेतन मन किसी स्पष्ट विचार को साकार कर देगा, क्योंकि आपके पास एक निश्चित स्पष्ट अवधारणा है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। अपनी इच्छा के साकार होने की कल्पना स्पष्टता से करें। आपको काम करने के लिए एक निश्चित चीज़ दे रहे हैं, एक निश्चित राह बता रहे होते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, कृतज्ञता को फैलाते रहें। जय हिंद, धन्यवाद।